हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सवेरे के 9:30 बज गए हैं और मैं नहा धो चुकी हूँ और घर की सफाई हो गई है। अब मैं बस पूजा ही मेरी हो गई है, बस अब थोड़ी देर में एक्सरसाइज करके। और ब्रॉनी मुझे परेशान कर रहे हैं कि मम्मी खेली है कटोरी, मेरे हाथ से छीन रहे हैं कि मम्मी मेरे हाथ से कटोरी खेली और मैं कटोरी खेलूँगा। और बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं ये, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कटोरी फेंकी तो वो अपना खेलने लग गया है। बहुत ज़्यादा ही परेशान करते हैं, इनको सवेरे सवेरे खेलना रहता है। और ये बॉल से नहीं खेलते हैं, ये कटोरी से ही खेलते हैं, इनका खेल भी अलग ही रहता है। बस ये देखिए कैसे मेरे हाथ से कटोरी छीन रहा है कि मुझे खेलना है, मम्मी चलो फेंको कटोरी और मैं खेलूँ। ये देखिए, और ये मेरी सवेरे की चाय बन रही है, इलायची वाली। सवेरे की चाय मुझे इलायची वाली बहुत पसंद है और इलायची की चाय मैं पीती हूँ सवेरे। अदरक की चाय सवेरे नहीं और शाम को मैं पीती हूँ, अभी मैं इलायची की चाय पीती हूँ। और मेरी चाय बनकर तैयार हो गई है और ब्राउनी जो हैं वो मेरे संग बैठ गए हैं बिस्कुट खाने। जब मैं चाय पीती हूँ सवेरे की तो वो मेरे संग बैठ के अपने बिस्कुट खाते हैं और बैठे रहते हैं, मेरा वेट करते रहते हैं कि मम्मी आए तो मैं बिस्कुट खाऊं। बहुत ज़्यादा ही शैतान है। और ये देखिए, अपने आप बिस्कुट दे दो खा लो तो नहीं खाएगा, मेरे हाथ से ही ले ले खाता है। और ये मेरी चाय है, साथ में मैं चाय पी रही हूँ और ब्राउनी को भी बिस्कुट। ये देखिए अपना बिस्कुट खा रहे हैं मम्मी के हाथ से एक एक। और ये मेरी चाय चल रही है, मैं चाय का भी मज़ा ले रही हूँ धीमे धीमे और बातें करती जा रही हूँ ब्राउनी से। ब्राउनी बहुत ही शैतानी कर रहे हैं। अब ब्राउनी बिस्कुट खा चुके हैं, अब ब्राउनी पेडिग्री खा रहे हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा भुना चना डाल दिया तब ये खाते हैं, वरना वो भी नहीं खाते हैं। और अब मैं सवेरे के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और आज का नाश्ता बहुत अच्छा है। आज मैंने इडली और सांभर बनाया हुआ है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा सांभर बन कर के तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा रंग है इसका। और साथ में मैंने इसकी चटनी बनाई हुई है गरी की। अब मैं जा रही हूँ इसमें तड़का लगाने सांभर में, और सांभर में मैंने तड़का लगा दिया है, बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट इसका अच्छा आता है। साथ में मैंने गरी में भी तड़का लगा दिया है, चटनी में भी, और दोनों में तड़का लगा कर मेरे नाश्ता लगभग तैयार ही हो गया है। अब मैं जा रही हूँ इडली बनाने, और इडली के सांचे में मैं इसके बैटर को अच्छी तरह से फेंट करके इडली के सांचे में इसको मैं डाल दूँगी और फिर मैं इसको स्टीम करूँगी। और मैंने सभी बैटर में इसको भर दिया है और फिर मैं जा रही हूँ इसको कुकर में ही मैं इसको बनाती हूँ, स्टीम देती हूँ तो ज़्यादा अच्छा बनता है इस तरह से डिप करने के बाद। ये देखिए, और ये देखिए मेरी इडलियाँ बन करके तैयार हो गई हैं। कितना कितनी अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट इडली ये बनी हुई है और बहुत ही अच्छा, बच्चों ने बताया बहुत ही अच्छा बना है मम्मी खाने में। ये देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट, बहुत ही खाने में एकदम यमी है। और मैंने साथ में ब्राउनी की रोटियां ही बना दी क्योंकि ब्राउनी तो रोटी ही खाते हैं। गुड इवनिंग, शाम हो गई है, आज पानी बरस गया है, आज का मौसम बहुत अच्छा है तो आज मुझे पेड़ों में पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पेड़ में वैसे ही पानी पड़ा हुआ है और सब पेड़ हरे भरे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज। पेड़ भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मेरी शाम की पूजा हो गई है, मैंने दिया जला दिया है। और फ्रेंड्स, आप भी भगवान जी के हाथ जोड़ लीजिए कि राम जी हैं और कृष्ण जी हैं और सभी हैं। और गुड नाइट फ्रेंड, अब मैं सोने जा रही हूँ और हम लोग का डिनर हो गया है और हम सब सोने जा रहे हैं, कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट।